भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर आज का दिन बेहद अहम है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज मुलाकात करने वाले हैं और ये मुलाकात भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे तय की गई है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई और भारत के साथ मजबूत रिश्ते की पहल की। अब सभी की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात पर टिकी है, जिसमें आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। और आज ये मुलाकात होनी है जो कि भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे होगी। कल जिस तरह से कमला हैरिस से मुलाकात हुई थी वो काफी अच्छी और सफल मानी गई। भारत अमेरिका के बीच रिश्तों के नए दौर की शुरुआत कर दी। आज है पीएम मोदी और अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात का दिन। जो बाइडेन की सरकार बनने के बाद से ही इस मुलाकात की प्रतीक्षा की जा रही थी। आज दुनिया में जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल मची है, इन हालात पर दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र के मुखिया किस तरह इन चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनाते हैं, इस पर दुनिया भर की नजर है। जो बाइडेन का भारत के प्रधानमंत्री को न्योता देना, व्हाइट हाउस में मेजबानी करना, ये संकेत है कि अमेरिका भारत के साथ अपनी दोस्ती का सफर आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा, दुनिया भर में आतंकी नेटवर्क के बढ़ते प्रभाव पर भी बात होगी। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात का मुद्दा भी भारत के लिए बेहद अहम है। सुरक्षा और सहयोग का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे पर होगा। कोरोना महामारी से निपटने की नई चुनौतियों पर भी दोनों देश विचार करेंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात में 5 सूत्रीय मुद्दों पर मुहर लगेगी। ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है और पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक एरिया में और हेल्थ केयर में, डिजिटल आईटी में, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे, और एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप पे। ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करते हैं। पीएम मोदी और जो बाइडेन की ये भले ही पहली मुलाकात है, लेकिन वर्चुअली दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती रही है। अगर आप बायलेटरल रिलेशनशिप में देखें तो पिछले, स्पेशली जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, अगर आप इसको कंसिडर करें तो पहले 100 डेज में ही काफी इंटेंसिव इंटरेक्शन हुई है। 3 बारी दोनों लीडर्स की आपस में बातचीत हुई, 3 समिट्स हुई, तीनों में प्रधानमंत्री मोदी एक इम्पॉर्टेंट स्पीकर थे और अब ये इन पर्सन समिट हो रही है। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का दौरा भारत और अमेरिका के अगले 3 सालों का ब्लूप्रिंट तैयार कर देगा। जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात कूटनीतिक लिहाज से भी बेहद अहम है। कारोबारी रिश्तों के अलावा चीन को लेकर अमेरिका की नीति भारत के लिए बेहद अहमियत रखती है। पीएम मोदी के दौरे से पहले बाइडेन का बयान भारत के लिए सुखद संकेत था। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में भारत और अमेरिका दोनों के लिए अपने अपने वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से निपटने में दोनों देशों के बीच सहयोग और समन्वय से मदद मिलेगी। वाशिंगटन डीसी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।